हो गया ना फिर, हो गया ना फिर। तोड़ा है गाभा का घमंड, तोड़ा है गाभा का घमंड, वो भी बच्चों ने, बच्चों ने पकड़ के लपेट दिया ऑस्ट्रेलिया को। उस्ताद मैं समझ गया ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में कैसे हराना है। इंडिया और वेस्ट इंडीज प्राइम एग्जाम्पल है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में कैसे हराना है। उस्ताद हम लोग इतने अरसे से बड़े बड़े बुड्ढे बुड्ढे लेके जाते रहे कि इनके पास एक्सपीरियंस है, ये हराएंगे ऑस्ट्रेलिया को, ये हराएंगे। अबे ऑस्ट्रेलिया को बच्चे हरा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ बच्चे हरा सकते हैं। इंडिया के टाइम पे भी देख लो आप, विराट कोहली नहीं था, बच्चे थे, ऋषभ पंत, ये सब, ये मिलकर खुरचनों ने लपेट दिया था इनको। वेस्ट इंडीज ने भी 6 या 7 डेबूटेंट्स खिलाए हैं और पकड़ के उन्होंने जरा लपेट दिया। शमार जोसेफ, शमार जोसेफ की आप बॉलिंग देखो, टूटे हुए टो के साथ बेचारा बॉलिंग करा रहा है, साथ साथ विकेटे लेके जा रहा है, वो भी 150 के पेस पे, और एक हमारा 150 का पेस वाला है। टेपिए शर्म नहीं आती तुझे, कुछ सीख ले इससे। लेकिन उस्ताद वही बात है, गर्म खून, गर्म खून, गर्म खून ने दिखा दिया कि उस्ताद टूटा हुआ टो है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जीत के दिखाऊंगा। अबे यही तो करना होता है, जवानी के जोश का यही तो फायदा है, इसको यूटिलाइज करना चाहिए कि जवानी के जोश में बच्चे का घुटना भी फारे हो, कंधा भी फारे हो, टो टूटा हुआ कुछ भी हो, बच्चा कहता है नहीं मम करूंगा करूंगा करूंगा, एड्रेनलिन रश, एड्रेनलिन रश होता है, बच्चे ने मार के दे दिया तुम्हें कि ये लो उस्ताद लपेट दिया ऑस्ट्रेलिया को। कितनी ही बड़ी टीम थी। ब्रायन लारा रो रहे बेचारे, वो खड़े हुए रो रहे हैं वहां कमेंट्री बॉक्स के अंदर, उनकी आंखों में आंसू देखो, खुशी के आंसू उस्ताद, खुशी के आंसू। मैं हमेशा सोचता था खुशी के आंसू कैसे होते होंगे, सुना था हमेशा, देखा नहीं था। ब्रायन लारा को देख के दिख गया कि उस्ताद ये खुशी के आंसू है, कि मतलब यार ये अचीवमेंट है। साथ में एडम गिलक्रिस्ट खड़े हुए, उनको भी पता है कि कितनी बड़ी चीज कर ली है बच्चों ने यहाँ पे, कि उस्ताद इनको ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारना बड़े बड़े प्लेयर्स का ख्वाब रह जाता है कि ये अचीव करना है। उन्होंने निकाल के दे दिया कि भाई ये लो, क्या पैक किया ऑस्ट्रेलिया को। और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप इस वक्त बहुत आसान है कोलैप्स करने के लिए। वो तो स्टीव स्मिथ था बेचारा, 91 मार के चला गया, नॉट आउट खड़ा रह गया। नहीं तो आप देखो पाकिस्तान की सीरीज में भी हमने इनके 14 पे 4 लुड़का दिए थे, और इनकी सीरीज बच्चों की सीरीज में भी देखो कि इन्होंने भी जो ना कर दिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया को इस वक्त हराना बहुत आसान है, बस हमने कैच छोड़ दी, उन्होंने कैच नहीं छोड़े। उनके दिल में जो है इंतकाम की आग थी, हमारे दिल में इंतकाम की आग ही नहीं थी। मतलब आप देखो ना वेस्ट इंडीज का क्या नाम था, उनको पूरी दुनिया जलील कर रही थी कि तुम्हारी तो टीम खत्म हो गई, तुम फारिग हो गए, सब कुछ हो गया है। उन्होंने लपेट के दे दिया कि भैया अब बोल के दिखा, बोलना बोलना। वही बात है ना कि भाई आप इंसान को कितना जलील कर दोगे, जो गैरत वाला होता है ना, फिर वो कहता है कि तुम्हें मैं बताता हूँ तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें मैं बताता हूँ, अभी दिखाता हूँ। दिखा दिया उन्होंने कि अब बोलो, कोई अब कोई कुछ नहीं बोल रहा। अब वही बात है, देखो कि क्रेग ब्रेथवेट पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कह रहा है कि रोडनी हॉग ने हमें बोला दैट वी वर पैथेटिक एंड होपलेस, और कह रहा है वही हमारे लिए मोटिवेशन थी। कि उन्होंने जो गालियां, जो जिल्लत है, वो उसको मोटिवेशन बनाया, और फिर वो डोले देखा के कह रहे हैं कि बताओ अब ये पैथेटिक या होपलेस है। वही बात है ना कि भाई आपको दुनिया भर गालियां दे रही है, आपको सब कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा हुआ हुआ करता था, तुमने तुम अब वो नहीं हो जो हो, तुम्हें तुम खत्म हो चुके हो, राइट ऑफ कर दिया, तुम वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हो, तुम चले जाओ यहाँ से, खत्म हो तुम। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मार के दिखा दिया कि उस तरह टेस्ट क्रिकेट जो प्रीमियम फॉर्मेट है ना, उसके अंदर हम कर सकते हैं, हम अभी भी ये करके दिखाना होता है भाई। वो 24 साल का शमार जोसेफ यार, उसकी हिम्मत है यार। वो एक दिन पहले जो है वो बैटिंग से जा रहा है कि भाई टो टूट गया, उसकी हालत खराब हुई भी है। अगले दिन आया मैच से पहले, वो बैठा हुआ है टूटा हुआ कि भाई मेरा तो टो गया हुआ है। फिर उसको बोला कि भाई बॉलिंग करनी है, वो उसने 7 ओवर का स्पेल कराया एक ही पेस पे, 150 का पेस। ये नहीं कि टो टूटा हुआ है तो भाई पेस कम हो गया, वही पेस मारा, वही रेजिलियंसी, और तुम्हें मैच निकाल के देते, 7 विकेटें लेके दे दी, पूरा मैच निकाल के दे दो 24 साल के बच्चे ने। तो ये होता है भाई जवानी का जो जोश होता है ना, बच्चे पागल होते हैं। अब हमारे वाले हैं ना कि वो श्रीलंकन प्रीमियर लीग में जो है वो घुटने फारिग करवा रहे हैं और कंधे तोड़वा रहे हैं। यही कंधे अगर आप ऑस्ट्रेलिया में तोड़वा लेते ना, तो आपको गालियों के बजाय आपको तारीफें मिलती कि वाह यार क्या खेला है, क्या हिम्मत दिखाई है। कि इस फॉर्मेट में अगर आप टूट जाओगे ना, इस फॉर्मेट में कंधा चला गया, घुटना चला गया, आप खुद चले गए, दुनिया बोलेगी कि भाई काम करते हुए गया है। वो छोटी मोटी वाहियात लीग्स के अंदर बंदा अगर जाता है ना, तो फिर दुनिया याद नहीं रखती। वैसे आपस की बात है, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए थे, जब उनके 9 आउट हो गए थे और वो उनके 22 रन बचे हुए, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई इनको हम नेक्स्ट इनिंग में पकड़ लेंगे और उनको मार देंगे। वो एक तरह से कि यार ये तो वेस्ट इंडीज है, क्या ही कर लेंगे, वो तो शमार जोसेफ उनका आउट ऑफ सिलेबस आ गया, उस बेचारे बच्चे ने आगे विकटे शिकटे ले। तो ये ऑस्ट्रेलिया एक तरह से इनको ये कर रही थी कि भाई तुम कुछ नहीं हो, हम कर लेंगे, ठीक है। एक तरह से डिसीजन, बोल्ड डिसीजन था कि भाई हम कर देंगे तुम्हें, वो तो बच्चे ने कर दिया और घमंड तोड़ दिया। वैसे एक और जगह घमंड टूटा, वो हैदराबाद का घमंड, वो इंग्लैंड ने पकड़ लिया यार इंडिया को, इंग्लैंड इंडिया को पकड़ लिया। वैसे मुझे पता है 5 मैचों की सीरीज, अभी विराट कोहली भी नहीं है, वो इंडिया कमबैक कर लेगी इंग्लैंड को, लेकिन अगेन यार इंग्लैंड ने कैसे कर लिया, डोमिनेटिंग पोजीशन पे इंडिया फर्स्ट इनिंग में बिल्कुल के भाई कर देंगे इनका काम, वो ओली पोप ले गया इनसे मैच, एक अकेला बंदा इनसे मैच ले गया। मतलब आपने पहली इनिंग्स में इंग्लैंड को 246 पे ऑल आउट किया, जवाब में आपने 436 रन किया, 190 की लीड यार, 190 की लीड, जिसमें आपके जयसवाल ने रन किया, शुभमन गिल से, शबनम गिल से तो मुझे कुछ बात ही नहीं करनी।
जायसवाल हो गया, जडेजा हो गया, मतलब उन्होंने किए हुए आप 400 रन क्रॉस कर गए, उसके बाद सेकंड इनिंग में आपको छोटी नाक वाला ठिगना वो आपसे मैच ले गया, वो ओली पोप निकाल के ले गया, 196 रन की इनिंग्स खेल गया वो यार, आपसे आउट ही नहीं हुआ, वो रिवर्स स्वीप मार रहा है, वो हर जगह रन मार रहा है, आपका जवाब ही नहीं उसको आउट करने के लिए। हालांकि रैंक टर्नर था, बहुत खतरनाक, इतनी इतनी स्पिन हो रही थी बॉल, इतनी इतनी स्पिन, फिर भी नहीं पकड़ पा उसको यार, कि भाई कुछ कर लो इसका, वो मैच लेके चले गए आपकी नाक के नीचे से ले गए। मतलब विराट कोहली नहीं होगा तो फिर आपसे चेज ही नहीं होंगे उस आदमी का, मतलब अभी तक वो अपने करियर के एंड स्टेज पे खड़ा हुआ है भाई, वो खत्म है, एंड एंड फेज चल रहा है उसका, वो अभी भी इतना इंपैक्टफुल है कि उसकी जगह कोई फिल ही नहीं कर पा रहा है। ये शबनम गिल का मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, जायसवाल से अब लोग उम्मीदें लगाने लगे, इसको कर रहे हैं पीछे, ये दूसरे चक्करों में लग गया, ये बनना चाह रहा था ना नेक्स्ट विराट कोहली, के मैं इसकी जगह फिल करूंगा। भाई विराट कोहली की जगह अभी तक पूरे इंडियन सर्किट में कोई बंदा नहीं है जो उसकी जगह पूरी कर सके। वो जाहिर है वो आएगा तो उसका इंपैक्ट ही अलग हो, उसकी प्रेजेंस ही काफी है भाई, वो रन ना भी करे तो, लेकिन वो होगा तो ही मैच जीतेंगे। मतलब ये तो ऐसा तो मुझे समझ नहीं आई भाई, कि मतलब डोमिनेटिंग पोजीशन, आपका घर, आपको सब कुछ, और आपका मैच निकल गया यार, वो तो इंग्लैंड ले गई मैच। मुझे पता है अगले मैच में इंग्लैंड का बड़ा काम उतरने वाला है, लेकिन अगेन यार फिर भी, और ये सारी मैं बताऊं, ये सारा हुआ है, ये संडे को हुआ है ना, ये इरफान पठान को पकड़ो, सब कुछ उसका किया धरा है, जब से उसने वो संडे वाली लाइन बोली ना, वो अपशगुन जो उसने किया है, तब से आपके 3 से 4 संडे लग चुके हैं, वर्ल्ड कप भी उसमें आ गया, ये वाला मैच भी उसमें आ गया, और भी 1-2 संडे आपके लगे हुए हैं, ठीक है, वो अंडर 19 के बच्चों को भी शायद जब इंडिया पाकिस्तान का हुआ था तो वो भी संडे ही था, ये सारा किया धरा इरफान पठान का, उसको धरो, ठीक है, हो सके तो गालियां वाली दे दो, वैसे गालियां तो बॉबी ने दी है बीपीएल में, बॉबी ने दिए उस्ताद, बॉबी का तो मत्था वत्था शार्ट हो गया, बॉबी तो फुल वही वाला है शाहिद अफरीदी, गौतम गंभीर, फुल माबैंड और MP4 उस टाइप की चीजें कर रहा है वो, बीपीएल में गालियां दे रहा है वो, गंदी गंदी, बॉबी की हट गई, बॉबी से बदतमीजी, इसको 4 दिन शाकिब अल हसन के साथ छोड़ा है, लड़के ने देखो क्या चेंज लाया है, क्या परिवर्तन आया है, क्या क्या चेंज आया है इसकी तबीयत में। मैं कहता हूं उसको साल भर शाकिब अल हसन के साथ छोड़ दो ना, ये लड़का तुम्हें डोमिनेटिंग गुस्सा, ये वाला बॉबी चाहिए था हमें, इस वाले बॉबी को, मतलब इट्स बिन लाइक एट ब्लडी ईयर्स दैट आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड समथिंग लाइक दिस इन बॉबी, के भाई तुझे गुस्सा भी है, तू भी जरा ग्राउंड में कुछ कर दे, इसको गुस्सा आता है, इसको गुस्सा आता है, देखो तो कर क्या रहा है, ऐसा ये बॉबी चाहिए था, इसके लिए मैं अपना सर पीट रहा था कि भाई कुछ कर ले यार, कुछ एग्रेशन वेग्रेशन दिखा दे, फिर मुझे बाद में पता चला बॉबी से बदतमीजी की है उसने, कि सब आउट हो रहे हैं तुम क्यों नहीं हो रहे, बदतमीजी, बॉबी से बदतमीजी, देखो मैं कर सकता हूं क्योंकि वो मेरा लड़का है, तुम नहीं कर सकते, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं फिर पकड़ लूंगा सारे बाबर सन्स, छोड़ दूंगा तेरे ऊपर, मैं बता रहा हूं जितने भी बाबर सन्स हैं, जाओ पड़ जाओ इस बंदे के पीछे कि तूने बॉबी से बदतमीजी कैसे की, बॉबी से बदतमीजी कि सब आउट हो रहा तू क्यों नहीं हो रहा, उसकी जब मर्जी होगी वो आउट होगा, भाग जाए यहां से, हम बोल सकते हैं बॉबी को, कोई और नहीं बोल सकता, मैं कह रहा हूं भाई ये जरा करो क्या सीन है बॉबी से, लेकिन आज अच्छा लगा, देखो बॉबी को थोड़े दिन रिजवान से दूर किया, थोड़ा होलसम मोमेंट्स उससे कम लगा, शाकिब अल हसन के करीब कर दिया, अब परिवर्तन देखे लड़के के अंदर, क्या चेंज आया इसकी तबीयत के अंदर, के भाई तेरी ऐसी की तैसी, काट खाने को दौड़ है, साल भर छोड़ो, मैं तो कह रहा हूं किसी का कानवान काट लेगा ये, तो ये है सीन भाई बॉबी का, जरा ये क्या है भाई, गुस्सा गुस्सा आएगा ना, एग्रेशन दिखाएगा भाई, फुल बदमाश एग्रेशन आएगा ना, फुल बदमाश होगा, लोग डरेंगे तेरे से, मैं बता रहा हूं, फिर तुझे कोई हल्के में नहीं लेगा, तो अच्छा लगा। खैर एनीवेज अब तो खैर PSL शुरू होने वाला, यही था भी, मैं सॉरी यार लेट हो गया, वो अगर मैं 2-3 कामों में लगा हुआ था, और इतने सारे फड्डे वड्डे चल रहे थे ना दुनिया में, मैंने कहा था अभी चलने दो, जब एक साथ ही सबका रिव्यू करेंगे, तो खैर अभी तो PSL शुरू होने वाला, अभी मैंने सोच लिया है कि मैं जो हूं ना पिशावर के साथ जा रहा हूं, अब पिशावर हार ना जाए वो अलग बात है, बाकी वो अंडर 19 के बच्चे हैं, लोग कह रहे थे अंडर 19 के बच्चों का जानी कवर कर लो, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, जब तक लड़के ट्रॉफी नहीं लेंगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, फिर मैं कुछ बोलता हूँ पनौती लग जाती है, फिर तुम लोग मुझे गालियां देते हो कि ये तूने क्या किया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बच्चों को खेलने दो, मैंने देखा न्यूजीलैंड वाला मैच 10 विकेटों से जो मारा है, इनको खेलने दो, जब ये जीत जाएंगे ना फिर हम सोशल मीडिया सर पे उठा लेंगे, तब तक इनको छोड़ दो, इनको खेलने दो आराम से, साइड कर दो इनको।